आगे यदि ये जाने की संभावना होगी तो किधर होगी? इधर में खोपड़े को बजाने के लिए, इसलिए इसको ऊपर की तरफ से पकड़ा जाता है, नीचे की तरफ से नहीं पकड़ लेना, ठीक है ना, ऊपर की तरफ से न छूट जाएगा। ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, ग्रिप छूट जाएगी, इसलिए ऊपर की तरफ में रख के रखना। दबाव ऐसे, दोनों पैरों में एक फुट का गैप, आगे का घुटना मुड़ा हुआ, ठीक है, शरीर का बोझ आगे की तरफ। स्केटिंग करने वाले को देखे हो, स्केटिंग करने वाला जो स्केट करता है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है, क्यों? क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे की तरफ आ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। घुटने में थोड़ा सा झुकाव देने से, झुकाव देने से स्टेबिलिटी बनती है। पहला आदमी का रोल ये, दूसरा इसके साथ में होगा सपोर्टर। पहला हाथ ये दिख रहा है, दूसरा हाथ यूं सपोर्ट के लिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर यदि सिंगल है 7 kg का हुआ तो उसको उठा करके फेंक देगा ये पैर, बराबर है, तो उसको सपोर्ट के लिए यूं दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा ये सिग्नलिंग मैन के लिए भी काम करता है। प्रेशर सबसे पहले ये हुआ ऑन करने का सिग्नल, क्या होता है ऑन करने का सिग्नल, ठीक है ना, ऑन इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है ना, कट ऑफ, ठीक है ना, क्लियर। पहला, दूसरा आदमी, तीसरा, लाइन पे आ जाओ, एक 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 आदमी प्रेशर विथस्टैंड करके रखना, ठीक है ना, भाई चलो, शरीर का बोझ आगे, सिग्नल दो भाई, पहले बोलेंगे तो देंगे, अरे हाथ से खुल जाएगी वो, सिग्नल दो ना, सिग्नल लगाओ, सिग्नल मांगेंगे तो देंगे, दो ऑन करने का सिग्नल दे दिया, अरे लड़ जा, एक थ्रेड खोलना है, सिर्फ एक थ्रेड, ठीक है ना, बस पकड़ लो उसको, एक थ्रेड, अब हल्का हल्का बढ़ा, उसके बाद में बढ़ाओ, हल्का प्रेशर बढ़ाओ, हल्का बढ़ा, इतने में प्रेशर बढ़ाओ, धीरे धीरे देखो, प्रेशर उसको हैंडल करने दो, बहुत बड़ा प्रेस है, और बढ़ाओ, मेरे हाथ की तरफ देखो, नीचे की तरफ में, ऊपर की तरफ में नहीं।